ना मैं बता रहा हूं ना, मुझे पता है अंदर से ना एक शर्मिंदगी हो रही है इस प्रोग्राम में बैठ के। आपको क्यों नहीं हो रही? क्या हम प्लास्टिक के लिए एक, एक, एक शो कर रहे हैं? हम सबके लिए शो कर रहे हैं कि रमजान का असर हुआ हमारे ऊपर। वी ऑल नो हम पाकिस्तानी, हम उर्दू बोल रहे हैं, हम सबको पता है कि हम चोर कौम है। हमें पता है कि रमजान में चोरी पीक पे आनी है हमारी। लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग्स। जब तक एक नस्ल सच नहीं ना बोलना शुरू करेगी, उसके बच्चे वरना झूठे ही पैदा, वही मुनाफिक ही पैदा होंगे। मिल रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो रमजान ट्रांसमिशन हो, चाहे वो कोई घर की महफिल हो, चाहे कोई बाजार में जाते हुए किसी के साथ बातचीत करने का ही मौका क्यों ना हो, आपको कोई भी अच्छाई का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मेरा मेरी जिंदगी जी, अल्लाह ताला आपके इस खुशगुमानी को कायम रखे। मगर आपको और मुझे दोनों को पता है कि पूरी पूरी पाकिस्तानी कौम वेट कर रही है कि साहिल अदीम के से कैमरा कट हो के रीमा पे कब आएगा। आप खुद सोचे ना सही ना, व्हाई आर वी नॉट टेलिंग द ट्रूथ। लोग रमजान की वजह से नहीं, रीमा की वजह से प्रोग्राम देख रहे हैं। रीमा, जब आप देखते हैं कि हज़रत फातिमा का कोई किस्सा नहीं मिलता आपको और तफसील से नहीं मिलता, तो साफ समझ आती है कि किसी औरत को चाहिए ही नहीं था, जो चाहिए था वो उनको मिल गया। उनको तमाम तर सेलिब्रिटीज चाहिए और उनकी तमाम तर तफसील मिली हुई है, जो चीज चाहिए वो आया है। तो ये सारा का सारा मामला आप खुद अपने आपका नफ्स जाहिर होकर सामने आ गया। जो चाहिए हमें मिल गया। मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ भी रखूंगी जरूर कि मैंने अगर नबी सलाम के बारे में सोचा तो सबसे पहले क्या सोचा? रास्तबाजी सोची, हिम्मत सोची, जो करेज है। अली बिन अबी तालिब के बारे में सोचा तो क्या सोचा? हिम्मत सोची, बहादुरी सोची, इल्म सोचा, ठीक है। उमर बिन खत्ताब के बारे में सोचा तो क्या सोचा? करेज सोची। टॉप ऑफ द माइंड दो तीन एट्रीब्यूट हमारे जहन में उसी वक्त सांचे की तरह फिट होते हैं। अब मैं आपसे खुद पूछता हूं कि फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सोचा तो क्या सोचा? आप दिमाग खाली है इस वक्त, बहुत मेहनत के बाद पर्दा सोचो।